नमस्कार, मैं हूँ शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने आप मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमसीडी के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी दी है। उन्होंने गारंटी लिया है कि दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, सड़कों और गलियों को साफ करेंगे, पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे, आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएंगे, निगम की गलियों और सड़कों को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल और अस्पताल को और दुरुस्त करेंगे, निगम के पार्कों को शानदार बनाएंगे सहित कुल 10 गारंटी दी है। दिल्ली से शुरू हुई आबकारी नीति की जांच का विस्तार अन्य राज्यों तक भी होने जा रहा है। खबर है कि सीबीआई तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी आबकारी नीतियों की जांच करने वाली है। इसके अलावा एजेंसी फ्रांस के बड़े कारोबारी परनॉड रिकॉर्ड की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पांचवीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को बैंगलोर से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बैंगलोर के रास्ते मैसूर और चेन्नई को जोड़ेगी। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि अगर पूरी क्षमता से चलाया जाए तो इस सुपर फास्ट ट्रेन की मदद से महज 3 घंटे में ही बैंगलोर से चेन्नई की दूरी तय की जा सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत मंजूर करते हुए स्पेशल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जमकर खिंचाई की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के दृष्टिकोण को लेकर इस साल कई मौकों पर उसे फटकार लगाई है। केंद्र की मोदी सरकार अगले साल दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को शुरू करने वाली है। गतिशील योजना के तहत सरकार वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की लहरों से होते हुए 4000 किलोमीटर का रिवर क्रूज लॉन्च करेगी। 50 दिवसीय क्रूज 10 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा और 1 मार्च को कोलकाता और ढाका के गुजरते हुए असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और 8 नवंबर को ताजपोशी। इस बार के चुनाव में भाजपा नई इबारत लिखने का मन बना चुकी है। भाजपा के कदम से साफ है कि वह राज्य में 1985 से चल रहे रिवाज को खत्म करने की कोशिश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक व्यक्ति अपनी मां की याद में मंदिर बना रहा है। इस शख्स का नाम श्रवण कुमार है और लोग इसे आज का श्रवण कुमार कह रहे हैं। कुछ साल पहले इस शख्स की मां का निधन हो गया था। मंदिर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ। बेटे ने मंदिर के अंदर एक ही पत्थर से गढ़ी गई अपनी दिवंगत माँ की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में प्रदेश के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री अब लोगों को फोन कर धमकाने लगे हैं, क्या स्थिति हो गई है देश की। एमसीडी चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में सरगर्मी तेज हो गई। इस क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 भराव स्थलों को साफ करने तथा नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करने समेत आम आदमी पार्टी यानी आपकी 10 गारंटी की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने केंद्र से धन लाने दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का वादा किया था लेकिन किया कुछ नहीं। उसे एमसीडी चुनावों में 20 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। जून 2023 तक खुर्जा से न्यू सुजातपुर तक मालगाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दौड़ने लगेंगी जिससे यात्री ट्रेनों को ट्रैक खाली मिलेंगे। इससे ट्रेनों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा यात्री 4.25 घंटे में कानपुर से दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं। आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए हैं। सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के समीप तथा एक प्रमुख चौराहे पर शुक्रवार को अपनी कार रुकवाई और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की उत्साही भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वह वंदे भारत एक्सप्रेस तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए KSR स्टेशन की ओर जा रहे थे। भारत में COVID-19 के 842 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,64,810 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 12,752 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शुक्रवार सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण से 6 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,520 हो गई है।
चुनाव से पहले पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुजरात के वरिष्ठ नेता ने आपकी मुफ्त बिजली योजना को लेकर तीखे हमले किए हैं। वाघेला ने कहा कि पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि मुफ्त में कुछ भी नहीं, यह 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपका वादा क्या है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार को टीम इंडिया के T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद एक भावुक पोस्ट किया है। कोहली ने ट्वीट किया कि इस तरह का परिणाम दुख देता है। हालांकि टीम विश्व कप जीतने से चूक गई, वे T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। सभी के समर्थन के लिए शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट कर नया जीवन दान देने जा रही हैं। परिवार के लिए यह आसान फैसला नहीं था, खुद लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी की जिद के आगे मान गए। छोटे पर्दे की सीता यानी देवीना बनर्जी और गुरमीत चौधरी के घर नन्हे मेहमान ने जन्म लिया है। देवीना एक बार फिर से एक प्यारी सी बेटी की मां बनी है। देवीना ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत नोट के साथ अपनी बेटी के जन्म की खबर फैंस के साथ शेयर की है। कोस्ट गार्ड ने नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा तारीख और एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने दोनों पदों में से किसी के लिए भी आवेदन किया है, वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindiancoastguard.gov.in पर लॉग इन करके अपनी परीक्षा तारीख और शहर की जानकारी ले सकते हैं। गुजरात में 2 दशक से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर चल रही। कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में अपने 21 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। 46 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची में कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों का भी नाम शामिल किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा भारत G20 के अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत देश अमेरिका के अपरिहार्य भागीदारों में से एक है। मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। यह बातें इंडोनेशिया में आयोजित G20 सम्मेलन में शामिल होने से पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के रूप में पहली बार भारत पहुंची जेनेट येलेन ने US इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप में कही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों रुपए की रिकॉर्ड बरामदगी की गई है। यह जानकारी भारतीय चुनाव आयोग के तरफ से दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में 71.88 करोड़ जबकि हिमाचल प्रदेश में 50.28 करोड़ रुपए की बरामद किए गए हैं। एलोन मस्क ने अमेरिका में ट्विटर ब्लू की कीमत $8 यानी 660 रुपये के करीब रखी है। जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी तो कहा था कि इसकी कीमत अलग अलग देशों में उसकी परचेजिंग पावर के अनुसार होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत में ये सर्विस 150 से 200 रुपये में लॉन्च हो सकती है, लेकिन अगर एप्पल ऐप स्टोर पर 719 रुपये की इस कीमत पर विश्वास किया जाए तो भारतीय यूजर्स की परचेजिंग पावर से काफ़ी ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी की पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपियां इलाके में एक्टिव था और कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलोर में नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। कैंपे गौड़ा को बेंगलोर का संस्थापक कहा जाता है। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाई गई ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम वंशी सुतार ने डिजाइन किया है। एलोन मस्क ने फर्म के दिवालिया होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा है कि हमें फायदे की स्थिति में आने के लिए सप्ताह में 80 घंटे तक काम करना होगा। इसके अलावा ऑफिस में मुफ्त खाने जैसी सुविधाएं भी खत्म कर दी जाएंगी। यही नहीं, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम जैसी जो सुविधा दी गई थी उसे भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में MCD चुनाव कराए जाने को अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके संसाधन और उनके समय को बांटने के लिए दोनों चुनाव साथ कराए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसका असर नहीं होगा और दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी क्योंकि जनता ने ऐसा तय कर लिया है। गौतम गंभीर ने इंडिया के सेमीफाइनल में हार के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि कोई आएगा जो शायद रोहित शर्मा से ज़्यादा दोहरे शतक लगाएगा और विराट कोहली से ज़्यादा शतक लगाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय कप्तान कभी भी 3 ICC ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा। T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी पर हमले के आरोपियों को जमानत दिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया है और कहा है कि केस को दोबारा सुनकर 4 हफ्ते में फैसला ले।
दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों में शुमार सुनील गावस्कर ने बाबर आजम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। इसी मैदान पर 30 साल पहले इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। दिलचस्प है कि तब भी सामने इंग्लैंड ही था जिसे 22 रनों से हरा कर पाकिस्तान चैंपियन बना था। इन सब घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया है और कहा जाने लगा है कि भविष्य में बाबर आजम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, पिकू प्रदीप, रविशंकर, भान प्रकाश मौर्य, ओमकार सिंह, रंजीत कुमार झा, नुनू कुमार गोलू। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश को 5वें वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, आपके अनुसार इससे लोगों को कितनी सुविधा मिल सकेगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।